हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास में डीएम आ रहा था कि क्या कोविड-19 का जो है वैक्सीन लगवाना जरूरी है एग्जाम से पहले। तो देखिए, एनटीए ने या नीट ने जो है ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि आपको एग्जाम में बैठने के लिए वैक्सीन का लगवाना जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अभी जो है वैक्सीन 18 प्लस वालों के लिए अवेलेबल है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, कुछ लोग 16 साल के हैं, कुछ लोग 17 साल के भी हैं। तो अब इन लोगों को वैक्सीन को लग नहीं सकती है, इसलिए एनटीए ने कहीं पे ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि वैक्सीन का लगवाना जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को पता है कि नीट में हर साल 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, इस बार भी इतने स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स को एक बार में एक साथ में वैक्सीन लगवाना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास में अभी ये है कि आप लोग चिंता मत कीजिए कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको जो है मास्क एंड ग्लव्स जरूर लेके जाना है। मास्क ग्लव्स पहन के जाइए, क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है कि आपको इन चीजों का यूज करना है। ड्रेस कोड के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि ड्रेसेस कैसे पहनने, तो आप लोग वहां से जाकर के ड्रेस कोड वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखना है, कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाए तो अभी चिंता मत कीजिए, आप लोग बाद में लगवा सकते हैं, लेकिन अपने सेहत का ध्यान अभी जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग ज्यादा बाहर मत निकलिए, अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए, और जब आपका पेपर हो जाए फिर उसके बाद में वैक्सीन आप लोग आराम से लगवा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल चिंता नहीं करनी है। और मैं पर्सनली भी एडवाइस दूंगा कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ साइड इफेक्ट भी दिखते हैं, कुछ लोगों को फीवर आ जाता है, तो कुछ लोगों को फीवर आने के बाद वो 2-3 दिन तक भी रहता है। तो अगर अभी आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपका स्टडीज इफेक्ट हो सकता है इसमें। तो अभी आप लोग वैक्सीन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अपनी पढ़ाई को कीजिए अच्छे से और एग्जाम देकर के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू।